नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हम हैं रणथंबोर नेशनल पार्क स्थित फतेह पब्लिक स्कूल। आज यहां पर 2023 का श्री फतेह सिंह राठौर मेमोरियल लेक्चर एंड कंजर्वेशन अवार्ड आयोजित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम फतेह मेमोरियल स्कूल के अंदर जो है यहाँ पर जो 11वां फतेह सिंह राठौड़ मेमोरियल लेक्चर एंड कंजर्वेशन अवार्ड जो 2023 का जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि किस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं, गणमान्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना उमदा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कई इस तरीके के लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ को लेकर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर बहुत सजग हैं। और आज यहाँ इस अवार्ड के अंदर जो कि अभी 11वां अवार्ड है, और यहाँ पर जो है ये ऐसे लोगों को जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये कार्य जो है ये फतेह सिंह राठौड़ मेमोरियल जो लेक्चर एंड कंजर्वेशन अवार्ड है, इस तरीके के जो अवार्ड है इनसे जो वाइल्ड लाइफ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के जो लोग जो इस पे कार्य कर रहे हैं रेगुलर, उन लोगों को अगर इस तरीके से अवार्ड दिए जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो कहीं ना कहीं वन्य जीव संरक्षण पर जो है विशेष चीजें की जा सकती हैं। अभी हम जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए, जैसे कि हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भुवनेश जी हैं, हमारे साथ काफी टाइम से कार्य कर रहे हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भुवनेश जी, वाइल्ड इंडिया न्यूज चैनल से हूँ, थोड़ा सा आप बताएंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर जो ये अवार्ड जो श्री फतेह सिंह राठौड़ मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है, इसमें किस तरीके से जो है जो अवार्ड दिए जाते हैं और क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को जो प्रोत्साहित करने के लिए इस जो उत्सव जो है जो ये मनाया जा रहा है या अवार्ड जो फंक्शन किया जा रहा है, इसमें क्या जो इसकी रूपरेखा है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यह हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, ये 11 फतेह सिंह मेमोरियल अवार्ड सेरेमनी फंक्शन है। इसमें जो राजस्थान और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हम ऐसे नाम को बाहर लेके आते हैं जो रियल, जिनको बिना किसी भी पर्सनल रिवॉर्ड रिकॉग्निशन को छोड़ के जो लोग स्वयं चाहते हैं कि जंगल का उत्थान हो, वन्य जीव का संरक्षण में कुछ काम हो, हम उन लोगों को आगे ला के उनको यहाँ पे सबके सामने अवार्ड देते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि भुवनेश जी ने बताया, अभी साथ में अभी यहाँ पे इनके साथ में बैठे हुए हैं जो ये रामगढ़ विजधारी जो कि हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, वहाँ के DFO जो हैं संजीव जी शर्मा भी यहाँ पर हैं।